तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सेल के अंदर तीन फंक्शन के बारे में समझने वाले हैं, जो कि दोस्तों पहला है सम, दूसरा सम इफ और तीसरा सम इफ। अगर दोस्तों आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पिछले वीडियो में हमने तीन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में सीखा था, जो कि काउंट था, काउंट इफ और काउंट इफ्स। अगर आप लोग वो पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, वहां से जा करके आप बहुत ही आराम से उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। आप यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारा जो डेटा था सेम टू सेम पिछले वीडियो का ही डेटा है, जिसमें कुछ नेम है, कुछ कलर्स हैं और कुछ अल्फाबेट डिजिट दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सबसे पहले फंक्शन के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सबसे पहला फंक्शन है सम। तो सम क्या होता है, सम फंक्शन क्या होता है और इस फंक्शन का यूज हम लोग कैसे करते हैं? तो दोस्तों सम फंक्शन का यूज हम अपने डेटा में किसी भी तरह के न्यूमेरिकल डिजिट को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे डेटा में, इतने पूरे डेटा में हमारे पास न्यूमेरिकल डिजिट सी वाले कॉलम में है, तो इसको अगर हमको जोड़ना हुआ, इसका पूरा टोटल निकालना हुआ, तो हम लोग इस सम फंक्शन से इसको को जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो दोस्तों हमने सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे सम। सम लिखने के बाद हमको ब्रैकेट को कर लेना है ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जितना हमारा सेल रेंज है, सेल रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कर देंगे इंटर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास इसका जो पूरा टोटल है, न्यूमेरिकल डिजिट का जो पूरा टोटल है, वो यहाँ पे आके शो हो रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको सम फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरे फंक्शन के ऊपर, जिसका नाम है सम इफ। सम इफ फंक्शन क्या होता है और इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं? तो दोस्तों सम इफ फंक्शन में हम लोग किसी एक कंडीशन के आधार पे अपने डेटा का वैल्यू चेक करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल डिजिट दिए गए हैं। अब इस न्यूमेरिकल डिजिट में हम ये कंडीशन देंगे कि जितने भी नंबर्स 17 से ऊपर हैं, मतलब 17 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 17, उतने का टोटल कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग कैसे फंक्शन का यूज करके निकालते हैं, उसके हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल का साइन लिखेंगे और लिखेंगे सम इफ। सम इफ लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेल रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया, अब देंगे कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा को करेंगे ओपन, और उसमें हम लोग देंगे ग्रेटर देन 17, ग्रेटर देन 17। उसके बाद डबल इनवर्टेड कॉमा को करना है क्लोज, ब्रैकेट को करना है क्लोज। अब दोस्तों हमारे डेटा में जितने भी नंबर 17 से बड़े होंगे, उतने नंबर का हमको टोटल मिल जाएगा। बस करना क्या है, क्लिक करना है आपको इंटर बटन। यहाँ पे आपका टोटल निकल के आ गया है 45। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20, 25, इस डेटा में ही हमारे दो डिजिट हैं जो कि 17 से बड़े हैं। तो आई होप दोस्तों आप सम इफ फंक्शन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग अब बढ़ते हैं अपने थर्ड और लास्ट फंक्शन की तरफ, जिसका नाम है सम इफ्स। इसको करते हैं डिलीट। तो दोस्तों सम इफ फंक्शन क्या होता है और इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं और कब किया जाता है? तो अगर दोस्तों आपको एक्सेल में अपने डेटा में किसी भी दो कंडीशन को अप्लाई करना हो, दो कंडीशन का मतलब क्या है, जैसे कि हम अपने डेटा में से दो कंडीशन इस तरह का देंगे, जैसे कि यहाँ पे नाम रोहित होना चाहिए और कलर रेड होना चाहिए। नाम रोहित और कलर रेड होने के बाद कितने सामने का डिजिट कितना आता है वो हमको निकालना है। अब सामने का डिजिट यहाँ पे देखिए, दो रोहित नाम के लड़के हैं और एक में कलर रेड है और एक में कलर ग्रीन है, और नंबर भी यहाँ पे चेंज है। अब चलिए दोस्तों इसको हम लोग कैसे निकालते हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल का साइन लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे सम इफ्स, उसके बाद करेंगे ब्रैकेट को ओपन। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले हमको सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सेल रेंज हमारा सेलेक्ट हो चुका है, उसके बाद देंगे कॉमा, फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा वाला जो कलर वाला सेल रेंज है इसको हम लोग कर लेंगे सेलेक्ट, अब फिर से देंगे कॉमा, फिर उसके बाद दोस्तों डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन करना है और हमको यहाँ पे पहला कंडीशन देना है। तो दोस्तों हमारा पहला कंडीशन रहेगा यहाँ पे कि रेड होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। उसके बाद फिर से कॉमा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमको दूसरा कंडीशन देने के लिए हमको नेम वाले सेल रेंज को क्या करना है, सेलेक्ट। नेम वाले सेल रेंज को हमने कर लिया सेलेक्ट, अब फिर से देंगे यहाँ पे कॉमा। कॉमा देने के बाद हमारा दूसरा कंडीशन या फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या रहेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कंडीशन या फिर क्राइटेरिया लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं इसको। डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने कर लिया ओपन, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रोहित। रोहित लिखने के बाद हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा को करना है क्लोज और ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों
कि हमारा कंडीशन है कि रेड होना चाहिए और नाम होना चाहिए रोहित, और हमने यहाँ पे कोई भी इसको नंबर नहीं दिया है कि उसके सामने का नंबर कितना आएगा, न्यूमेरिकल डिजिट कितना आएगा। हम बस करेंगे इंटर। अब यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल डिजिट आया हमारा 10। इसका मतलब ये है कि हमारा कंडीशन जो है वो बिल्कुल अच्छे से अप्लाई हुआ है। नाम रोहित है और कलर रेड है, यहाँ पे पहला वाला जो वैल्यू है वही हमारा सेम शो हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों आई होप आपको ये तीनों फंक्शन अच्छे से समझ में आए हों। अगर दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर करें, जिससे वो लोग भी एक्सेल के इन सभी फंक्शन के बारे में अच्छे से सीख पाएँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।